Hello class, in this video we will learn present continuous tense. Okay, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पहचानने का नियम इसका, है ना. पहचानने का नियम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? अगर वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे तो, ठीक है. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे तो, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आया अंत में, वे लोग खेल रहे हैं अंत में क्या आया, रहे हैं. वह दौड़ रहा है, वे लोग जा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, तुम लोग हंस रहे हो, इस तरह का सेंटेंस आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना. वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना. तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करना है ना, इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना. सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, वर्ब फॉर, वर्ब फॉर मतलब जो भी वर्ब रहेगा उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, है ना. वर्ब फॉर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल. यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं है, मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज एम आर में, आई के साथ लगता है एम, आई एम, वर्ब फॉर खेलना का क्या हो जाएगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, हम लोग गाना गा रहे हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हम लोग, वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग है वर्ब गाना, सिंग है, सिंग का विपर क्या आता है सिंगिंग, और गाना का सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना. इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस बना. अब हम लोग नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नेगेटिव में नॉट का यूज करना, फिर वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, वे लोग काम नहीं कर रहे है, वे लोग का क्या होता है दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आर, दे आर, उसके बाद नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे, दे आर नॉट, उसका वर्ब क्या है काम करना, काम का क्या होता है वर्क, वर्क का भी फॉर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ना, दे आर नॉट वर्किंग. उसी तरह से राम आम खा, सॉरी, राम आम नहीं खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा है, सब्जेक्ट है राम, पहले राम लिखेंगे,
राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, राम इज नेगेटिव है नॉट, राम इज नॉट खाना का ईट, ईट का बिफोर ईटिंग, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, ऑब्जेक्ट है मैंगो, है ना। इस तरह वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, राम आम नहीं खा रहा, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, सीता कपड़े नहीं धो रही है, सीता कपड़े नहीं धो रही, सीता इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, सीता इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। इस तरह हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है ना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यहां पहले इज एम आर का यूज करेंगे ना, इम इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में वाइज से पहले क्या आता है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है। क्या आ गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तुम यू, यू क्या, यू में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो पहले हम आर शुरू करेंगे ना, आर यू उसका वर्ब फॉर वो है गोइंग, आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आप लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, क्या है आप लोग का यू होता है, यू का हल्के में आर होता है ना, आर यू कैचिंग फिश, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, आर यू कैचिंग फिश। अगर इसी में अगर इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव भी रहे तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ हो, तो हम यहां क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे ना, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब फॉर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तब क्या हो जाएगा, आर यू, यहां हो जाएगा नॉट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या आप लोग मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं, आर यू नॉट कैचिंग फिश, ठीक है। आगे समझ में, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड यानी वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहां रहे तो, वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहां रहे तो, क्या रहेगा तो व्हाट का यूज करेंगे, क्यों रहेगा तो व्हाई, कब रहेगा तो व्हेन, कैसे रहेगा तो हाउ, कहां रहेगा तो वेयर। इसको लिखने के बाद फिर इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फॉर, उसके बाद
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, वह क्यों रो रहा है, क्यों आ गया बीच में, क्यों का क्या होता है, व्हाई, व्हाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना है, व्हाई इज ही, वह का ही होता है व्हाई इज ही क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग बाजार कब जा रहे हैं, वे लोग बाजार कब जा रहे हैं, कब आ गया, कब का क्या होता है when, when के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद दे का यूज करें, when are they going to market, when are they going to market। अगर इस तरह से कैसे रहेगा तो पहले हाउ का यूज करेंगे, कहां रहेगा तो वेयर का यूज करेंगे, क्या रहेगा तो व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके।